हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं भारती। और आप सब कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो। तो आज मैं आपको एक खूबसूरत सा प्लांट दिखाने वाली हूं। प्लांट तो खैर खूबसूरत है ही, लेकिन इसके जो फूल होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी फेवरेट प्लांट फूलों में से एक है। शायद आपको इसमें हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन आज इसमें दो ही फूल खिले हैं। तो इसका नाम है हारश्रृंगार। तो मैं पहले हारश्रृंगार और मधुमालती को एक ही प्लांट मानती थी, लेकिन जैसे हम YouTube पे वीडियोस देखते रहते हैं तो मैंने भी देखी तो मुझे पता चला कि ये डिफरेंट प्लांट है। तो आज मेरे इस प्लांट पर दो फूल खिले हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो, लेकिन जब मैं इस पॉट को उठा के लाई तो ये जो एक फूल है ये गिर गया। तो मैं इसको फिक्स कर रही थी लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फूल है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसको शायद कटिंग से भी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैंने कोई इन्फॉर्मेशन खास इसकी कलेक्ट नहीं की है। तो ये इस तरह से मैंने फिक्स किया। ये जो प्लांट का फ्लावर है ये काफी दिन बाद खिला है, जैसे ये बड्स इसकी बनी हुई है तो ये इनको खिलने में 5-6 दिन लग जाते हैं, फिर जाकर ये खिलता है। तो कल जब मैंने देखा तो इस पे ऑरेंज ऑरेंज ये डॉट बने हुए थे एक बड के ऊपर नीचे। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो इसमें डॉट होता है ऑरेंज कलर का ये वही है, लेकिन ये जो ये फ्लावर की स्टेम है वो ऑरेंज है। दरअसल उसकी वजह से ये ऑरेंज डॉट ऊपर आता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हो तो ज़रूर अपने गार्डन में लेकर आएं। तो ये जो फूल है किसी ज्वेलरी से कम नहीं है। तो जैसे हम लेडीज या गर्ल्स को शौक होता है कोई भी फूल अपने हेयर एक्सेसरी में यूज़ करने का या फिर एज ए ज्वेलरी यूज़ करने का, तो ये बिल्कुल वैसा ही एक फूल है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद आया है, इसीलिए मैंने ये प्लांट लिया है। तो चलिए अब इस प्लांट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बड्स भी बनी हुई है और एक फूल ये खिला है। तो ये जो प्लांट है मैंने 40 रुपीस में लिया था नर्सरी से, और जब मैंने लिया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस पे फूल आएंगे, और ना ही मेरे पास इसका कोई 1% भी एक्सपीरियंस था इस प्लांट के बारे में, ना मैंने कोई सर्च किया था। बट मैंने किसी के यूट्यूब चैनल पे इस प्लांट को उनके पास देखा था, और उनके पास बहुत बड़ा इसका प्लांट था और उस पर ढेरों फूल थे, जिससे कि मैं इंस्पायर होके मैंने ये जो फूल का प्लांट है लिया है। तो अगर आपको भी ये प्लांट पसंद है तो आप भी जल्दी से ले आइए अपने गार्डन में और इसके ढेरों फूल पाइए। तो शायद ये जो फूल है पूजा में भी यूज़ होते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।